तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो बीमारी हुई है जगन्नाथ जी को, इसका एक इंटरनल रीजन भी है। अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को अपना समय देना चाहते हैं, राजा है ना जगन्नाथ जी। अब दक्षिण भारत में क्या होता है कि राजा का महल अलग होता है, रानी का महल अलग होता है, और राजा रानी एक साथ पब्लिक अपीयरेंस कभी नहीं होती उनकी, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो अब जगन्नाथ जी ने क्या किया, छुट्टी ले ली राजपाट से, बोले अब मैं घर में रहूँगा, पत्नी के साथ रहूँगा, नेक्स्ट 15 डेज आई एम टोटली बुक्ड फॉर माई वाइफ, अब इनके साथ रहूँगा, थोड़ा इनको भी टाइम दूंगा ना। घर में झगड़े किस लिए होते हैं, इसलिए तो होते हैं पति टाइम नहीं दे रहा है पत्नी को, बच्चों को, अपने काम में बिजी है, तो फिर टनाटनी होती है घर में। तो मैं क्या करूँगा, 15 दिन इसी के साथ रहूँगा, बहुत बोलती रहती है, चू चू करती रहती है, अब इसको टाइम दूंगा मैं। पंचदश दिने श्रीमन महालक्ष्मी दिया, तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्त वसिया। पंचदश दिने श्रीमन महालक्ष्मी दिया, तो ये पंचदश 15 दिन जगन्नाथ जी ने किसको दिए, महालक्ष्मी दिया। अब क्या करेंगे उनके साथ, तार संगे क्रीड़ा कैल, उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे, थोड़ी सी हंसी मजाक होगा, तो अब और कोई कार्य नहीं है। मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं जगन्नाथ जी, उनको क्यों समय देना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब इच्छा है 15 दिन इसको समय दे दूंगा तो फिर मेरे को ये छुट्टी दे देगी उसके बाद बाहर निकलने की इस महल से, बहुत हो गया अब ये अपुलेंस इतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, ना ही ऐश्वर्य को सहन कर पा रहा हूँ और ना ही अपने ब्रजवासियों के प्रति जो विरह है उसको सहन कर पा रहा हूँ, अब मुझे उनका दर्शन करना है, तो अभी पत्नी को रिझा लूँ, थोड़ा सा ये सेट हो जाए तो उसके बाद मैं बाहर निकलूँगा ब्रजवासियों का दर्शन करने के लिए। सो यहाँ लक्ष्मी भी भाती नहीं है जगन्नाथ जी को, क्यों, क्योंकि लक्ष्मी अपने जो लक्ष्मी का पद है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं, जो ऐश्वर्य है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसलिए देवता भी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, देवताओं के पास भी शक्ति है और पद है, ये दोनों छोड़ना नहीं चाहते, वो बहुत अटैच्ड हैं उससे। तो इसलिए कहीं पर भी आप सुनेंगे भागवत में भगवान क्या वर्णन करते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो मुझे वश में कर सकते हैं, अजीत जीतो अपी, कि मैं जो अजीत हूँ मुझे भी जीत लेते हैं वो, साधुओ हृदय मह्यम साधु नाम हृदय मितोहम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में रहते हैं, साधु भी ग्रस्त हृदयो, ये साधु क्या कर लेते हैं, मुझे ग्रस्त कर लेते हैं अपने हृदयों में, ही अस्वतंत्र इव दिजा, मैं अस्वतंत्र हो जाता हूँ, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई गेट डिपेंडेंट अपॉन माई डिवोटीज आर अबव मी, मेरे जो भक्त हैं मुझसे भी उच्च हैं, हर जगह भगवान यही बोलते हैं, कभी ये नहीं बोला देवी देवता हमसे मेरे से बहुत बड़े हैं ना, क्यों, क्योंकि देवी देवता दे आर स्टिल अटैच्ड, मगर जो भक्त है वो क्या है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त क्या है, हमेशा वो निष्काम है, सेल्फलेस है, वो केवल सेवा करना चाहता है, सेवा के बदले कुछ वापिस नहीं चाहता। अब जैसे छोटा बच्चा है, गलती से उसने कुछ मिर्ची खा ली तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है उसको उस टॉफी दे देगी तो उसको अच्छा लगेगा, माँ बोलती बेटा अच्छा लग रहा है तो हाँ मम्मी अब ठीक है, तो अगली बार क्या करेगा, जान के मिर्ची खाएगा उस टॉफी को खाने के लिए, अब माँ समझ आएगी बदमाशी कर रहा है, इसको मिर्ची नहीं लगी है इसने, इसको टॉफी चाहिए। ऐसे ही देवी देवता भी कई बार अपना पद पोजिशन छोड़ नहीं पाते, उससे अटैच हो जाते हैं, मगर डिवोटीज पूर्ण रूपेण वहाँ के ऊपर सरेंडर करते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो ये रीज़न बताया गया है कि क्यों जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, कि अब थोड़ा लक्ष्मी के साथ समय बिताएंगे और फिर उनको परमिशन मिल जाएगी इस महल से बाहर निकलने की। All right.